अब एक ऐसी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको सावधान भी करेगी और गुस्सा भी दिलाएगी। एक महिला कोरोना पीड़ित पति के इलाज के लिए अस्पताल जाती है, लेकिन वहां उसके साथ छेड़छाड़ होती है। महिला चुप रह जाती है कि पति का इलाज ढंग से हो जाए, लेकिन पति की जान नहीं बचती। उसके बाद महिला के सब्र का बांध भी टूट जाता है। पूरी रिपोर्ट देखिए। पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है, और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से। ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना, वो है, लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। संक्रमित पति को बचाने के लिए भागलपुर के ग्लोकल हॉस्पिटल में छेड़खानी सहती रही, लेकिन पति की मौत के बाद उनकी ये दर्द भरी दास्ता सुनकर लोगों में बेहद गुस्सा है। महिला की शिकायत के बाद भागलपुर की एसपी नताशा गुड़िया और एसपी सिटी अस्पताल पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी है। एक मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। अब पूरा मामला समझिए। इस महिला के पति नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। होली के दौरान पति पत्नी नोएडा से भागलपुर रिश्तेदारों के यहाँ आए। भागलपुर में ही 16 अप्रैल को पति को कोरोना हो गया। सीटी स्कैन में पता चला कि फेफड़े में 60% इन्फेक्शन है। साथ ही महिला की सास को भी कोरोना हो गया। इसके लिए दोनों ग्लोकल अस्पताल में भर्ती हुए। जब ग्लोकल अस्पताल में छेड़खानी हुई और पति की हालत ठीक नहीं हुई तो उन्होंने सरकारी JLN अस्पताल में पति को भर्ती कराया, लेकिन महिला का आरोप है कि वहाँ भी पति का इलाज ढंग से नहीं किया गया। मैं फाइट दे रही हूँ और ये लोग मेरे बाबू को खत्म कर देंगे। इतना ऑक्सीजन का किल्लत सर, मेरा बाबू डर गया बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन सिलेंडर देखता था और कहता था वो खत्म हो जाएगा। अब पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा सरकार पर निशाना साध रहे हैं। पूरे बिहार के लिए शर्मसार करने की घटना है। अब बिहार यही दिन के लिए आपको सरकार चुना था कि लोग क्या प्रशासन आपका 16 वर्षों में क्या प्रशासन के पदाधिकारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सच सामने लाने का दावा भी। ABP News आपको रखे आगे।